नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि आपका बिजनेस आपने बहुत ही मेहनत से बनाया होता है, आप बहुत ही उसमें लगन, पैसा, टाइम सब कुछ दिया है। लेकिन क्या हो जब आपका बिजनेस में आपका नाम या आपका लोगो या आपका कुछ ऐसी सामान जो कि आपका है, जिसमें आपकी मेहनत लगी है, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा करे? और अगर कोई ऐसा कहता है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, और क्या आपको करना चाहिए, और इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? तो इन सब बातों को आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपका खुद का बिजनेस है या खुद भी बिजनेस करने जा रहे हैं, आप अपने प्रॉपर्टी या फिर आप अपने जो ब्रांड को कैसे बचाए, उसको मैं यहाँ पास डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और मेरा नाम है संदीप, और पिछले 3 सालों से मैं बिजनेस होस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने बिजनेस की ट्रेनिंग दी है, सिखाया है, काफ़ी सारे कंपनियों को मैंने बनाया भी है, और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका बिजनेस सही से प्रोग्रेस करे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रेडमार्क की। काफ़ी वीडियो भी आप यूट्यूब में देख चुके हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपने कोई बिजनेस बनाया, आपकी मेहनत है, समय है, पैसा है, सब कुछ लगा है, लेकिन जब आपका एक बिजनेस में आपका नाम चलने लगता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बदमाश लोग, जो कि आपके कॉपी करने लगते हैं, या तो आपके नाम का लोगो इस्तेमाल करते हैं या लगभग नाम इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे आपको नुकसान क्या होता है? ना केवल आपकी प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जो बिजनेस का नाम भी खराब होता है, और आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है। सबसे बड़ी चीज़ है आपका बिजनेस का नाम खराब होना, क्योंकि आप एक अच्छा सामान बेच रहे हैं तब आपको आपका बिजनेस का नाम होता है, आपका लोगों से लोग आपकी पहचान करते हैं। लेकिन जब कोई उसका डुप्लीकेट इस्तेमाल करने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में अगर आप उन पे केस करना चाहें, तो उस समय आप उस पे केस कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर ऑथराइजेशन हो। तो इसी ऑथराइजेशन को बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए कि एक लोगो बनाया, जैसे ये मैं टी शर्ट पे मान लो कि ये एक लोगो है, ठीक है, ये जिस भी कंपनी का है, इसने क्या किया, इसने लोगों को ट्रेडमार्क करवा लिया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ट्रेडमार्क के लिए कि ये जो है प्रॉपर्टी मेरा है, ये मार्क मेरा है। तो इसका इस्तेमाल अगर कोई दूसरा करता है, तो वो उस पर लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये ट्रेडमार्क होता है, मतलब कि आपने अपना जो प्रॉपर्टी है, मतलब अपने लोगो है, अपना नाम है, या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो कि लगता है कि आपका है या आपने बनाया है, तो आप उसको ट्रेडमार्क करवा ले। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने शाहरुख खान का नाम सुना है, शाहरुख खान ने SRK इस नाम को, इस 3 वर्ड को उसने ट्रेडमार्क करवा लिया है। इसका इस्तेमाल अब कोई दूसरा नहीं कर सकता SRK, ठीक है, और बिना उनकी परमिशन के। अगर कोई करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये होता है ट्रेडमार्क। आपने काफ़ी सारे कंपनियों के देखे होंगे, कोई भी कंपनी बिना के लोगो जो होते हैं उसके ऊपर में TM लिखा होता है या R लिखा होता है। ये TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क, और जो R का मतलब होता है रजिस्टर्ड। तो ट्रेडमार्क अगर रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसके विषय में जो भी जानकारी है लेने के लिए आप पर्सनल जो है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पास मैं आपको वैसी जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपको समझने के लिए हो कि इसको क्यों लेना चाहिए। अब आइए दोस्तों, दूसरी बात, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें लगती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अगर आप खुद के नाम का करना चाहते हैं, खुद का नाम पे या लोगो कुछ भी ऐसा खुद के नाम पे करना चाहते हैं, तो इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो लगभग 4,500 रुपये आती है। और इसमें जो भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसकी फीस कुछ भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। डिपेंड होता है कि उस बंदे ने कितनी जल्दी आपको ये काम करके दे रहा है, ये अलग अलग होता है, ये वेरी मतलब कहता है। दूसरी, अगर आप अपनी कंपनी के नाम पे रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इसकी गवर्नमेंट फीस लगभग 9,500 के आसपास होती है। और इसमें जो भी प्रोफेशनल फीस होती है, जो भी बंदा आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसकी अपनी एक फीस होती है, तो कुछ भी हो सकती है। उसमें मैं बाकायदा आपको कुछ मतलब नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी की भी फीस से कोई भी आपके लिए काम कर रहा है, तो कितना लेगा नहीं लेगा उस पर है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया है, करवाना चाहते हैं, तो
आपको जैसा मैंने बताया कि कंपनी में अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो लगभग 9,500 रुपये फीस है, तो आपको ये फीस कैसे कम हो सकती है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये फीस लगभग हाफ हो जाती है। तो ये आपको एक फायदा होता है, अगर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उद्यम आधार के अंतर्गत आप करवाएंगे तो आपको जो है मतलब फीस जो है बहुत कम लगती है। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको अपने बिजनेस बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो कल को आपकी मेहनत कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा होगा और आप जो है बैठ के मुंह देखते रहेंगे। बाकायदा अगर तो उसने उस आपके नाम को टीएम करवा लिया तब तो आप आपकी मेहनत भी गई और आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये आपको ट्रेडमार्क अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि आप जो है एक अच्छी तरह से अपनी चीजों को बचा सके कानूनी रूप से। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी आप वीडियो देखना चाहे तो आई लिंक या एंड स्क्रीन पे जा सकते हैं या मेरे चैनल पे जाके आप अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करके देख सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।